आज हम बनाएंगे पापड़ की चूरी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और चटपटे होते हैं। पापड़ की चूरी बनाने के लिए सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके पापड़ को अच्छे से सेक लेंगे ताकि कहीं कच्चा ना रह जाए। चारों साइड घुमा के उसका किनारा भी अच्छे से सेक लेंगे। पापड़ अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह सारे पापड़ों को रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा सारे पापड़ रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसका स्पाइसी और टेस्टी टेस्टी चूरी बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इस पापड़ को हम हाथों से क्रश करके इस बाउल में डालेंगे। सारे पापड़ों को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। पापड़ों को अच्छे से क्रश कर लिया। अब इसमें मसाला मिलाएंगे। 1 टेबल स्पून काटा हुआ प्याज डालेंगे। 1 टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली डालेंगे। 4 काटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टी स्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। लास्ट में डालेंगे 1 टी स्पून सरसों का तेल। आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा टेस्टी सा यमी सा चटपटा सा पापड़ी की चूरी रेडी हो चुके हैं। तो इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे और इस प्लेट में पापड़ी का चूरी डाल देंगे। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।